विजेता कौन? बहुत समय पहले अजबगढ़ नामक राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा विक्रम सिंह। वह बहुत ही कंजूस था। उसे दूसरों को रुपए पैसे देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। राज्य में एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराइए। जो इस प्रतियोगिता में विजयी होगा उसे 200 सोने के सिक्के पुरस्कार में दिए जाएंगे। ठीक है महाराज। दौड़ प्रतियोगिता आरंभ हुई और उस प्रतियोगिता में रामू नामक व्यक्ति विजयी हुआ। महाराज, रामू ने यह प्रतियोगिता जीती है। अच्छा, बहुत खूब। रामू, तुम एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। तुम बहुत तेज दौड़ते हो। तुम्हारी प्रतिभा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। महाराज, आपको अब इसे 200 सोने के सिक्कों का पुरस्कार भी देना होगा। क्या, सोने के सिक्के? वे भी 200? यह सुनकर राजा अपने विचार बदल लेता है। नहीं, मैं उसे 200 सोने के सिक्के तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी तरह का पुरस्कार मिलना चाहिए। यहाँ तुम्हारे जैसे हजारों खिलाड़ी मिल जाएंगे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ। सोने के 200 सिक्के तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम मुझे पराजित करोगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। अरे, कंजूसी की भी हद है। राजा और रामू की दौड़ आरंभ होती है। अरे अरे, इन राजसी कपड़ों में दौड़ना तो बहुत मुश्किल है। अरे, यह तो हवा की तरह दौड़ रहा है। क्या मुझे इसे 200 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे? नहीं, यह असंभव है। अच्छा, मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं बड़े रास्ते के बजाय छोटे रास्ते से जाऊंगा। मर गया रे, आए बचाओ, मैं जीत गया। अरे महाराज, तो मुझसे पहले ही पहुंच गए हैं। मंत्री जी, देखा मैंने कैसे 200 सोने के सिक्के बचा लिए। हाँ, यह तो है महाराज, परंतु आपको स्वस्थ होने और अपने पैरों पर खड़े होने में 5 या 6 महीने लग जाएंगे। आपने 200 सोने के सिक्के तो बचा लिए, पर इलाज में कम से कम 400 सिक्के लग जाएंगे। क्या, 400 सोने के सिक्के?